खुले आसमान में पंखों को फैलाकर उड़ते हुए परिंदों को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। जब ये पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरते हैं तो उन्हें देखकर आंखों को एक अजीब सी ठंडक और दिल को बेतहाशा सुकून मिलता है। लेकिन इस धरती पर पक्षियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो उड़ नहीं सकती। बर्ड्स होने के बाद भी ये स्पीशीज ऐसे फीचर से वंचित है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको 10 ऐसे ही पक्षियों की प्रजाति से रूबरू कराते हैं जो पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते। बस आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी जरूर है लेकिन इसके पास उड़ने की काबिलियत नहीं है। जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है लेकिन खुले आसमान में उड़ नहीं सकता है। ये पक्षी काफी वजनी होता है जिसकी वजह से इसके पंख इसके वजन को उठा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। आमतौर पर ऑस्ट्रिच अफ्रीका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि किसी जमाने में एशिया के अंदर भी इनकी मौजूदगी देखी जाती थी लेकिन बड़े पैमाने पर इनका शिकार होने के कारण ये पक्षी एशिया में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब अगर बात करें ऑस्ट्रिच की साइज और वजन की तो इसकी औसत ऊंचाई करीब 6.9 से 9 फीट के आसपास होती है जबकि इसका वजन करीब 63 से 140 किलोग्राम के आसपास होता है। ईमू। करीब 5 फीट तक की औसत ऊंचाई वाला ईमू बनावट से लेकर रंग रूप में काफी हद तक शुतुरमुर्ग जैसा जरूर दिखाई देता है लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ईमू साइज में शुतुरमुर्ग से छोटा होता है। भूरे रंग, लंबी गर्दन और मुलायम पंखों वाला ये पक्षी खुली हवा में भले ही उड़ नहीं सकता लेकिन अपने लंबे पैरों की मदद से काफी तेज दौड़ सकता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी वैसे तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे और कई तरह के कीड़े मकोड़े को खाकर अपना गुजारा करता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ईमू बिना कुछ खाए भी कई दिनों तक आसानी से सर्वाइव कर सकता है। एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन की सभी प्रजातियों में से एम्परर पेंगुइन शारीरिक रूप से सबसे लंबा और भारी होता है। यही कारण है कि एम्परर पेंगुइन उड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता है। ये एक वाटर बर्ड है जो ठंडे और बर्फीले इलाकों में निवास करना काफी पसंद करता है। इसका आधा जीवन पानी में तो आधा जीवन धरती पर गुजरता है। आमतौर पर अंटार्कटिका में पाया जाने वाला एम्परर पेंगुइन अपने भरण पोषण के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर मछलियों का शिकार करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपने शिकार के लिए इस समुद्र की गहराई में पूरे 7 मिनट तक आसानी से रह सकता है। इसके शरीर का पिछला भाग काला, आगे का हिस्सा सफेद, गर्दन पीली और मुंह का रंग काला होता है। इसकी ऊंचाई करीब 3.9 फीट तक होती है जबकि इनका वजन करीब 23 किलोग्राम के आसपास होता है। टाकाए। मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली टाकाए वैसे तो बर्ड स्पीशीज है लेकिन इसके बावजूद भी खुले आसमान में उड़ना शायद इसके नसीब में नहीं लिखा होता है और अपनी इसी खामी के कारण आज की तारीख में ये पक्षी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि ये पक्षी काफी रेयर स्पीशीज में से एक माना जाता है और इसकी संख्या बहुत ही कम है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब पक्षी की ये प्रजाति बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थी लेकिन साल 1948 में इसे एक बार फिर से खोज निकाला गया और साल 2002 तक इस पक्षी के 125 जोड़ों को स्थापित किया गया था। इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में टाकाए बर्ड की संख्या फिर से बढ़ रही है। काकापो। तोते जैसा शरीर और उल्लू जैसा मुंह रखने वाली काकापो बर्ड को पहली नजर में देखकर ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या चीज। दिखने में ये पक्षी उल्लू और तोते का मिक्सचर लगता है और इसलिए इसे आउल पैरेट के नाम से भी जाना जाता है लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसके पास पंख होते हुए भी ये आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। हालांकि उल्लू की तरह ही ये रात के समय में काफी एक्टिव होता है और दिन में छिपकर रहना पसंद करता है लेकिन इसका वजन करीब 4 किलोग्राम के आसपास होता है और इसीलिए ये पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता है। काकापो बर्ड को अभी तक सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया गया है जहां इसकी संख्या बहुत ही कम है और मौजूदा समय में ये पक्षी पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। ग्वाम रेल। साइज में छोटा सा दिखने वाला ये पक्षी आमतौर पर अमेरिका में पाया जाता है
हालांकि लुक्स के मामले में तो गुआम रेल बर्ड भी बाकी के दूसरे पक्षियों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन दूसरे पक्षियों की तरह इसके पंख उतने विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो पाता है। 70 के दशक से पहले तक गुआम रेल बर्ड यूएस के गुआम इलाके में पाई जाती थी, यही कारण है कि इस पक्षी को गुआम नाम से जाना जाता है। कॉर्मोरेंट। यूं तो कॉर्मोरेंट बर्ड को काफी शांत नेचर के पक्षियों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी शांति तभी तक कायम रहती है जब तक कि इसे छेड़ा ना जाए। काले रंग का ये कॉर्मोरेंट बर्ड अक्सर अपने झुंड के साथ ही रहना पसंद करता है और शिकार करने के दौरान भी ये एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करने का मजा लेता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी गोताखोर की तरह पानी के अंदर गोता लगाकर मछली को अपना शिकार बनाता है। हालांकि इसके पास बड़े बड़े पंख भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये पंख इसे उड़ने के काबिल नहीं बना पाते। कॉर्मोरेंट बर्ड समुद्र तल से करीब 200 मीटर के दायरे में ही अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में ये पक्षी बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर खड़ी पक्षी की एक प्रजाति है, जो इनके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। वैका। बिल्कुल मुर्गी की आकार जैसा दिखने वाला वैका बर्ड आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस पक्षी को बाकी के दूसरे पक्षियों की तुलना में जो चीज सबसे खास बनाती है वो ये है कि वैका बर्ड पूरी तरह से ओमनिवोरस होता है। इसके साथ ही बाकी के दूसरे पक्षियों की तरह ही वैका बर्ड के पास भी पंख तो होते हैं, लेकिन ये पंख उतने विकसित नहीं होते कि जिसकी मदद से ये पक्षी उड़ान भर सके। कैसोवेरी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुंदर पक्षियों की लिस्ट में शुमार कैसोवेरी आमतौर पर पैपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है। हालांकि वैसे तो साइज के मामले में कैसोवेरी काफी बड़ा होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग की तुलना में इसका आकार कम होता है। और यहां देखने वाली सबसे गजब की बात तो यह है कि कैसोवेरी के पंख भी होते हैं, लेकिन बड़े आकार और भारी वजन की वजह से खुले आकाश में उड़ना इनके नसीब में नहीं होता है। हालांकि कैसोवेरी के पैर इसे और भी खास बनाते हैं, जिसकी मदद से ये पक्षी बड़े ही आराम से करीब 5 फीट तक की छलांग लगा सकता है। कैसोवेरी के बारे में कहा तो ऐसा भी जाता है कि ये काफी गुस्सैल स्वभाव का पक्षी होता है, और जब इसे गुस्सा आता है तब ये अपने इन्हीं पैरों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जो दुश्मन के लिए काफी घातक साबित होता है। स्टीमर डक। आमतौर पर दक्षिण अमेरिका के अलावा चिली और अर्जेंटीना में पाई जाने वाली स्टीमर डक काफी आलसी स्वभाव की होती है। यही वजह है कि ये अक्सर तटीय इलाकों में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करती है। इसके पंख भी बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ने में पूरी तरह से असमर्थ होती है। लेकिन इस पक्षी की एक खास आदत ये होती है कि जिस तरह से अपने पंखों को पानी की सतह पर फड़फड़ाते हुए तैरती है, उससे साफ पता चलता है कि भले ही इसके पंख उड़ने में सहायक नहीं होते, लेकिन तैरने में ये पंख इसके मददगार जरूर बन जाते हैं। ग्रेटर रिया। ग्रेटर रिया का शरीर पूरी तरह से पंखों से कवर होता है। इसके पैरों में 3 उंगलियां होती है और ये देखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन साइज में ये ऑस्ट्रिच से छोटा होता है। एक विशाल शरीर होने की वजह से ये पक्षी लाख कोशिशों के बावजूद भी हवा में नहीं उड़ सकता है। ग्रेटर रिया बर्ड अमेरिका के अलावा ब्राजील और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। बड़े बड़े पंखों से लबरेज ये पक्षी अक्सर झुंड में रहना और खुले मैदानों के साथ साथ खेतों में घूमना ज्यादा पसंद करता है। और अगर बात करें इनकी साइज की, तो इनकी औसत ऊंचाई लगभग 3 से 5 फीट के करीब होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 15 से 30 किलोग्राम तक होता है। कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पक्षी थोड़ा शर्मीला स्वभाव का होता है और ये रात के समय में ज्यादा एक्टिव रहता है। कीवी बर्ड की चोंच काफी लंबी होती है और ये आमतौर पर फल और मछली को खाकर अपना गुजारा करता है। हालांकि वैसे तो इन पक्षियों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आए दिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से वो दिन भी दूर नहीं है जब ये पक्षी भी कई दूसरे पक्षियों की तरह ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए।